सबाई हो सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपसे जो शेयर करने वाली हूँ फुटू मजार, जिसे हम पीरी या फिर देसी मशरूम बोला जाता है, ये जब बादल गरजता है तो उसी समय में अपने से ही होता है। तो ये जो है इसका खेती नहीं करते फ्रेंड, ये अपने से मिलता है, नेचुरल फूड है और सुपर फूड की श्रेणी में आता है। और इसे खाने से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। इससे आपका जो शरीर में जो भी टॉक्सिन्स है वो भी निकलता है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। इसके बारे में आगे आपको फायदा क्या है ये सभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और इसकी एक नई रेसिपी है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है, इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा क्योंकि बहुत ही अच्छी रेसिपी है और मैंने भी ट्राई किया, मेरे घर में भी सभी को पसंद आया है, तो आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बनाने स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है पीरी। मुझे इस समय ऐसे थोड़ा सा छोटे छोटे पीसेस में मिला है, लेकिन लंबा लंबा पीसेस में होता है। तो सबसे पहले पीरी को साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। पहले थोड़ा सा पानी में डुबा कर रख दीजिए थोड़ी देर, और उसके बाद उसे अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ कर लीजिए, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह लगा होता है जो कि आसानी से नहीं निकलता है। तो थोड़ी देर भिगा कर रखने के बाद इसे अच्छे से आप रगड़ रगड़ कर वॉश कर लीजिए, और इसे दो या तीन पानी तो इसे अच्छे से धोइए, हो सके तो नल के नीचे डायरेक्ट नल से भी धो सकते हैं, और उसके बाद इसे निचोड़ कर निकाल लीजिए। तो मैं भी धोकर देखिए इसे दूसरे साफ पानी में डाल रही हूँ और फिर इसमें इसे धोऊंगी। तो इसे हमें कम से कम ऐसे ही तीन चार पानी हमें अच्छे से धोना पड़ता है। धोना बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है, वरना मिट्टी कंकड़ रह जाए अगर इसमें, तो खाना जब हम इसका सब्जी बनाते हैं तो उसका टेस्ट हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसका जो मिट्टी मिट्टी जो टेस्ट है वो पूरा स्वाद को बिगाड़ देता है। तो धोने के लिए आप बिल्कुल एकदम इसे ध्यान से अच्छे से धोइए। और ये देखिए धोने के बाद इसे मैं कैसे साफ़ करना, ये तोड़ना कैसे दिखा रही हूँ। इसे ऐसे छीलना होता है, ऊपर का जो भाग है उसे हम काट कर अलग निकाल देते हैं, जो कली टाइप से रहता है उसे, और उसके बाद नीचे के पार्ट्स को, सबसे नीचे पार्ट्स को आप थोड़ा सा तोड़ दीजिए, सबसे नीचे वाले को, और उसके बाद ऐसे बाकी को हम ऐसे हाथों से छील लेते हैं। कभी कभी स्लिप होता है तो बनता नहीं है। और ऊपर का पार्ट्स को ऐसे दो भाग कर दीजिए, जो कली टाइप से होता है उसे, और उसे देख लीजिए कहीं ख़राब तो नहीं है। कभी कभी उसमें कीड़े वगैरह भी होते हैं तो उसे देखना बहुत ज़रूरी है। और इसे भी हम ऐसे छीलते हैं जिससे कि अंदर अगर कुछ कीड़ा वगैरह है या फिर ख़राब है तो वो हमें दिख जाता है, इसलिए इसे ऐसे पतले पतले पीसेस में हमें छील लेना होता है। तो ये देखिए जितना पीसेस हम कर सकते हैं, और उसके बाद इसे और छोटा टुकड़ा चाहिए तो ऐसे तोड़ लीजिए, देखिए कितने आसानी से हो जाता है। और इसे हमें देखना पड़ता है जब छीलते हैं, तो देखते जाइए हर एक पीस को कि कहीं ख़राब तो नहीं, ख़राब है तो उसे फेंक दीजिए। और उसके बाद ये देखिए इसे एक बार और धो लेती हूँ अच्छे से पानी से, तो इसे एक या दो बार और इसे हम एक बार धो लेते हैं इसे तोड़ने और काटने के बाद, चाहे तो आप चाकू से कट कर सकते हैं छीलने के बाद, वैसे आसानी से हाथ से भी टूट जाता है जब हम इसे टुकड़ा करते हैं तो। और उसके बाद इसे हम अच्छे से निचोड़ निचोड़ कर इसे दो पानी और धो लेते हैं, तो जिसमें थोड़ा बहुत और मिट्टी अगर रह गया है तो वो निकल जाता है। और आज का जो रेसिपी फ्रेंड बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए मैंने एक बर्तन में तेल गरम रखा होने रख दिया है, सरसों का तेल है कच्ची घानी, और तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तो हमने जो धोकर रखा था मशरूम उसे हम यहाँ पर डाल देते हैं और उसे हल्का सा सैलो फ्राई कर लेते हैं। तो पहले तो इसमें पानी छूटेगा और उसके बाद ये अच्छे से फ्राई होना शुरू हो जाएगा उसमें, और तब तक हम इसका मसाला तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने प्याज जो होता है, चार प्याज है, उसे अच्छे से मतलब क्रिस्पी यहाँ पर तल लिया है, और वही प्याज को तल के मैं रखी थी तो उसी प्याज को मैं ले ली हूँ यहाँ पर। तो चाभक है यहाँ पर, चार काजू ले रही, दो बादाम ले रही हूँ, और ये है नारियल का पाउडर। तो नारियल का पाउडर भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है कोरमा में, तो असली यही होता है। और उसका थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए इसका पेस्ट बन गया है, तो चिकना इसका एक पेस्ट बना लीजिए। और यहाँ पर एक और मसाला तैयार कर रही हूँ, तो यहाँ पर दो चम्मच ताज़ा दही है, ये ताज़ा दही है फ्रेंड, खट्टा दही नहीं है, ताज़ा मीठा दही जो होता है वो है। और उसके बाद यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ये काश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और यहाँ पर हम थोड़ा सा डाल देंगे गरम मसाला, सभी को डालकर हम यहाँ पर इसे अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। ज़रूरत पड़े तो हल्का सा पानी डालकर पेस्ट बना लीजिए। तो सभी पाउडर को डालकर इसका हम एक अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं। जैसे अगर ये नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, और उसके बाद हम इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो इसे भी आप तैयार कर रख लीजिए जब तक हमारा मशरूम उधर फ्राई हो रहा है तब तक। तो ये दो प्रकार का मसाला हमने तैयार कर लिया है, और ये देखिए मशरूम का जो पानी जो है वो सूख गया थोड़ा सा, और ये अच्छे से फ्राई हो गया है। तो पूरे को हम एक साथ निकाल लेते हैं, इसका जो तेल पानी जो भी है उसके साथ इसे एक बर्तन में हम खाली कर लेते हैं पूरे को फ्राई होने के बाद।
और उसके बाद हम फिर इसमें ताज़ा तेल डालकर हम इसे फिर आगे का प्रोसेस करेंगे, क्योंकि इसमें पानी भी थोड़ा सा रहता है इस तेल में जब फ्राई होता है। तो हम पूरे को एक साथ निकाल लिए और थोड़ा सा तेल मैं यहाँ पर और डाल दी हूँ, और 2 चम्मच तेल डालकर जो हमने दही वाला जो पेस्ट बनाया था हल्दी मिर्ची धनिया का, उस पेस्ट को हम यहाँ पर डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी और ऐड कर देती हूँ इसमें। और उसके बाद ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो इसे हम अच्छे से हल्का सा भून लेते हैं। कई लोग यहाँ पर ज़्यादा तेल डालना चाहते हैं तो आप तेल अपना अनुसार से डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा कम तेल डालकर मसाले को भून रही हूँ, वैसे कम में भी बहुत अच्छा बन जाता है। और ये देखिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट है, तो 2 चम्मच के करीब यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और इसे भी अच्छे से भून लेते हैं। इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छे से आ जाता है। ये देखिए भूनने के बाद इसका जो तेल छोड़ने लग गया है हमारा मसाला, और कितनी अच्छे से फ्राई हो गया है, बहुत ही सुंदर कलर आ रहा है फ्रेंड, देख सकते हैं। और उसके बाद हमने जो प्याज वाला जो पेस्ट बनाया था कोकोनट पाउडर वगैरह, उसे हम डाल देते हैं। और मिक्सी में हमारा थोड़ा सा मसाला और लगा रहता है तो उसमें थोड़ा सा पानी करके हम उसे इसमें डाल देते हैं, उस पानी को धोते हुए मिक्सी को, क्योंकि मिक्सी में बहुत सारा मसाला लगा रहता है। और प्याज को जब हल्का ऐसे फ्राई करके जब आप डालते हैं ना फ्रेंड, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हो सके तो आप कभी कभी प्याज को 1 किलो प्याज को ऐसे फ्राई करके रख सकते हैं, और कभी भी कोई भी सब्जी बनाना है उसमें आप थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं, या कभी कभी जो पुलाव या बिरयानी जो बनाते हैं उसमें भी क्रिस्पी वाला प्याज ऐसे खाया जाता है, तो आप उसके लिए भी ऐसे पहले से बना सकते हैं। और ये देखिए मसाला थोड़ी देर भूनने के बाद यहाँ पर जो मैंने मशरूम जो भून के रखा था उसे मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। तो मशरूम डालने के बाद अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए इसमें, और बस इसे हमें ढककर थोड़ी देर अच्छे से पकाना होता है, जिससे कि सभी मसाला अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और अच्छे से पक जाए, जो कच्चापन है वो चला जाए। तो बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छा खुशबू आना लग जाता है। और यहाँ पर डाल देते हैं थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि हमने नमक नहीं डाला था। और कई लोग इसे टमाटर डाल के भी बनाते हैं और कई लोग बिना टमाटर के बनाते हैं, तो एक बार आप ऐसे बिना टमाटर का बनाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखिए इसे हम अब मैं ढक देती हूँ थोड़ी देर, और उसके बाद देखिए थोड़ी देर बाद देखेंगे कितना अच्छा कलर आ गया फ्रेंड। ये देखिए बहुत ही सुंदर कलर आया है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लग जाता है, और एकदम हमारा जो मशरूम कोरमा है एकदम बनकर तैयार है। एक बार आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप चाहे तो थोड़ी देर इसकी ग्रेवी को और हल्का गाढ़ा कर सकते हैं, पर इतना ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा गर्म मसाला और डाल दीजिए और गैस को बंद कर दीजिए, और फिर देखिए बहुत अच्छा खुशबू आने लग जाएगा गर्म मसाले का। और यहाँ पर गैस बंद करने के बाद हम थोड़ी सी धनिया पत्ती भी अगर आपके पास है तो वो भी डाल सकते हैं, और उसके बाद इसे भी मिक्स करके गैस को बंद कर दीजिए। ये जो अब गरम गरम जो हमारा सब्जी है उसी में अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाएगा धनिया का, गैस को बंद करने के बाद ही डालिए। और बस इसे अब आपको सर्व करना है, तो आप इसे गर्मा गर्म आप सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे मैं एक बाउल में ले लेती हूँ। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, बहुत ही टेस्टी भी लग रहा है खाने में। आप ज़रूर एक बार खाइएगा इसे, आप रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं फ्रेंड। इसे खाना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है फ्रेंड्स। तो देखा कितना आसान है इसे बनाना, एक बार जरूर बनाइएगा फ्रेंड, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।